अगर हम बीते सालों के चुनावों और भाजपा की चुनावी रणनीति और जीत की बात करें तो भाजपा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में देश के लाभार्थी वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूपी का 2022 चुनाव हो या लोकसभा चुनाव 2019 हो, इन दोनों ही चुनाव में देश के लाभार्थी वर्ग ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। देश का लाभार्थी वर्ग धर्म और जाति से ऊपर उठकर भाजपा का परंपरागत वोट बैंक बन गया है। बीजेपी ने फिर से लाभार्थी वर्ग को अपने पाले में करने के लिए ऐसा देशहित की योजना निकाल दी है कि 2024 में भाजपा की जीत कुछ हद तक पक्की हो जाएगी। 2019 के चुनावों की ही तरह 2024 के चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ने का FRP बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने का और साथ ही प्रति बैग 242 रुपए की यूरिया सब्सिडी देने समेत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। पैकेज में विभिन्न घटक हैं जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की भलाई और आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने नीम कोटिंग शुल्क को छोड़कर 45 किलोग्राम प्रति बैग पर 242 रुपए की समान कीमत पर किसानों को यूरिया की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृत पैकेज में 3 सालों यानी 2022 से 23 से 2024 से 25 के लिए यूरिया सब्सिडी के तौर पर 3,68,676.7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के मकसद से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना PM प्रणाम को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा योजना के एक अन्य पहलू के रूप में धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार की मंजूरी पर भी चर्चा की गई। गन्ने के अब तक के सर्वाधिक उचित और लाभकारी मूल्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2018 में मोदी सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। तब हर एक 4 महीने की किश्त पर लगभग 25,000 करोड़ और सालाना 75,000 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित था। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 2,000 रुपए प्रति किश्त दिए जाने थे। इस योजना ने बीजेपी के पक्ष में किसानों को लामबंद करने में काफी मदद की थी और 2014 से भी ज्यादा वोट परसेंट और सीटों के साथ बीजेपी ने 2019 के आम चुनावों में जीत दर्ज की थी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।